5 सितंबर 2015 शिक्षक दिवस का पावन पर्व, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, ब्लॉक संसाधन केंद्र बरहज में विकास खंड बरहज के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और प्रेरकों के बीच शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दिन सभाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध राय, विशिष्ट अतिथि श्री सुधाकर त्रिपाठी और मुख्य अतिथि बरहज नगर पालिका के नगर अध्यक्ष श्री अजीत जायसवाल थे। अवकाश प्राप्त शिक्षकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम का संचालन श्री पंकज शुक्ल ने किया। पंकज शुक्ल के जादुई अंदाज ने एक समा बांध दिया। इतना तो तय है कि इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज के तारीख में ऐसे कम संचालक मिलते हैं जो पंकज शुक्ल की तरह दर्शकों के और सुनने वालों के दिलों पर छा जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पूजन और अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। सबसे पहले प्रारंभ हुआ स्वागत गीत। मेरा दिल भी गाए आपके आगमन से हो, मेरा दिल भी गाए आपके आगमन से। इस सभा में विजय कुमार सिंह जिला मंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह, मंत्री संजीव कुमार दुबे भी उपस्थित थे। स्वागत गीत के बाद विचारकों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आपका योगदान, आपकी महत्ता और आपका आपका मार्गदर्शन हमेशा हर समय में आवश्यक रहेगा और यह जिम्मेदारी आप आजीवन निभाते होता है। एल्डर कहता है शिक्षक मनुष्य जाति का कर्ता होता है। साथियों, अनादिकाल से हमारी आज के इस कार्यक्रम में मैं सेवानिवृत्त शिक्षकों के श्री चरणों में नमन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। मैं बहुत अस्वस्थ हूं। 2-2.5 महीने से मैं निकला नहीं कहीं, लेकिन इच्छा बनाया था ये कार्यक्रम बराज में मैंने ही शुरू में चलाया था। जब उस बांदे में कार्यक्रम हुआ करता तो जो सामने है साथियों, किसी ने कहा है कि यह सूरज तेरी क्या अवकाश है इस दुनिया में, जब रात के बाद एक रात है दुनिया में। चूंकि शिक्षा का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है मरीजों की सेवा करना। सम्मानित किए गए अध्यापकों में श्री पारसनाथ दुबे, कमला देवी, राम नगीना, मदन लाल जायसवाल, हृदयेश तिवारी, राम विलास यादव, मोतीलाल, राम विलास प्रसाद, रामायण यादव, शिव अवतार, लियाकत अली। साथ ही प्रेस क्लब द्वारा तहसील इकाई के द्वारा जो है कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये हैं श्री आदित्य नारायण गुप्त, दिनेश चंद जायसवाल, चंदन कुमार, रण विजय सिंह, धीरज कुमार। स्थानीय पत्रकारों में जेपी श्रीवास्तव, श्रवण गुप्त, ब्रजेश जायसवाल सहित संपदा टीम के राकेश श्रीवास्तव और अंजलि कुमार उपाध्याय को भी सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब बरहज द्वारा सम्मानित होने वाले शिक्षक बंधुओं में डॉक्टर आदित्य नारायण गुप्त जी, भाई रणजय सिंह जी, भाई दिनेश चंद जायसवाल जी, भाई चंदन गुप्ता जी, भाई धीरज कुमार सिंह जी, प्रेस क्लब बरहज इकाई के अध्यक्ष भाई जेपी श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में सौजन्य से आज यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बेसिक शिक्षा परिषद आपका बरहज इकाई आप सबको साधुवाद देता है। आप सबके हम आभारी हैं कि आप लोगों ने इस इतना बड़ा जो आप लोगों ने सम्मान प्रदान किया है हमारे इन एसएससी अध्यापकों का, इसके हम सब बड़े ही आभारी हैं। मैं आग्रह करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग बहुत जोरदार तालियों से अपने इन अध्यापकों,
के सम्मान में आप इनका स्वागत करेंगे। अभी प्रेस क्लब बराज इकाई के द्वारा हमारे इन पांच अध्यापकों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और एक चीज और देखिए, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ बराज इकाई के द्वारा प्रेस क्लब को भी सम्मानित करने का एक आयोजन किया गया है। उन प्रेस क्लब के जो सम्मानित सदस्यगण हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से भारत की विभिन्न समस्याओं को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो भारत की आवाज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, ऐसे भाई जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, भाई संतोष उपाध्याय जी, भाई श्रवण गुप्ता जी और भाई ब्रजेश जायसवाल जी को मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच तक आवे प्लीज। भाई ब्रजेश जायसवाल जी, श्रवण गुप्ता जी, संतोष उपाध्याय जी, जयप्रकाश श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मंच तक पधारे और आग्रह करूंगा अपने प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से, अपने नगर पालिका अध्यक्ष गौरा भारत के एसएससी अध्यक्ष भाई अजीत जायसवाल के कर कमलों द्वारा इन एसएससी पत्रकार बंधुओं को भी आप सम्मानित कराए। प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई भारत के सौजन्य से भाई जयप्रकाश श्रीवास्तव जी अध्यक्ष प्रेस क्लब बरहट, भाई संतोष उपाध्याय जी, श्रवण गुप्ता जी, ब्रजेश जायसवाल जी, अमर उजाला, हिंदुस्तान एवं पत्रिका के माध्यम से जिन लोगों ने भारत के समाचार को प्रमुखता से दिग्विजय में भाई अंजनी उपाध्याय जी आप मंच पर उपस्थित है, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आपको सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख लीजिए, आप श्री अंजनी उपाध्याय जी हैं, एक बार और आप उन्हें देख लीजिए प्लीज। मैं कुछ कहना चाहता हूं उनके प्रकरण में, आप एसएससी का भी सामान्य स्वर्गीय प्रतिष्ठान हवा के तीव्र झोंकों से उलझ जाए मृदुल कनिया, बसंती भाई भावों को है मिला, लेकिन शायद जीवन कभी वो सुख वर्षा का गगन अति तप्त अंगारे, तुम्हारी क्रांति में प्राय मलिनता व्यक्त हो आती, कहो संजो या समझो प्रकृति की गति बदल जाए, आपकी प्रिय बसंती रूप अछड़े हैं कुंभ लाए, भाई सुषमा मन्यवर आप में कभी घटने न पाए, यू न लूटे मौत उसकी पाह में, तू जहाँ जाए हमारी शक्तियों में तुम वो तक मुस्कुराएगा, हरा पर सांस ले मोती नयन जब तक निहारेंगे, हमारे खंड तब तक आपकी आरती उतारेंगे, हमारे खंड तब तक आपकी आरती उतारेंगे। मैं आप सबको हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपने सेवा नेतृत्व हो रहे आप सभी भाई बहनों को चरणों में अपना मस्तक नवाकर बीच नवाकर आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूंगा खेल के साथी मन के भी न कोई हार न कोई जीत, कभी है नाम कभी बदनाम, मेरे दो दिन के मेहमान विदा के क्या बनाए हनुमान, आप ये मत समझिएगा अपने जीवन में कि आप क्या रहे। इसमें इनका 90% योगदान है तो कोई अफसोस नहीं हो। आज हमारे माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं है, उन्होंने भी बड़ा ही रचनात्मक कार्य किया है इस विद्यार्थी परिवार को खजाने के लिए, और उसमें हमारे नगर के जो प्रथम व्यक्ति भाई अजीत जायसवाल जी हैं, उन्होंने पूरा योगदान दिया है। आज हम जिस फील्ड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आरसीसी का कार्य आपके सहयोग से हुआ, हमारा प्राथमिक शिक्षक विद्यार्थी परिवार श्रीमान जी आपसे बहुत पहले निवेदन किया था पक्षधर के लिए आरोपी, प्लीज मुख्य अतिथि जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपसे निवेदन किया गया था आरोपी जिससे यहाँ पर पक्षधर की व्यवस्था हो सके, और दूसरी चीज हम लोगों ने मांगा था एक ये उक्ति कबीर दास के दोहे में सुन करना चाहता हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको ना गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताया। निश्चित तौर से इस पूरे दोहे में सार निकल के आता है कि आपने ही हमें भगवान का रास्ता दिखाया आपने है, आप कहे हैं आदेश आपने दिया है कि ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पानी की व्यवस्था होगी, उजाले की व्यवस्था होगी, और आपसे एक चीज छूट गई है, मैं उसे आपकी स्मरण दिला देना चाहता हूँ, आपके विद्यालय परिसर में 4 सीटर बढ़िया शौचालय की व्यवस्था आगामी 1 महीने में कार्य शुरू हो जाएगा, और आपके बगल में जो उत्तर दिशा में जो खाली जमीन देख रहे हैं, जो जंगल और गंदगियों का अंबार है, वहाँ निश्चित तौर से
एक महीने बाद सुंदर पार्क के रूप में आप तो इसको अगले बार जब आप शिक्षक दिवस के रूप में पाएंगे तो एक अच्छे पार्क के रूप में आप उसको देखेंगे। और कस्तूरबा विद्यालय जो है बाउंड्री और इंटरलॉकिंग वहाँ भी होना है, एक महीने में वहाँ भी कार्य शुरू हो जाना है। तो आपका एक आदेश हुआ, दो आदेश हुआ, हमने बिन मांगे आपको कुछ और भी दे दिया, हमने नहीं दिया, आपके तरफ से सुझाव आया था कि ऐसी सुविधा हो जानी चाहिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि आप लोग दूर दराज से आते हैं, बच्चे हैं, उनको असुविधा होती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए बरहज नगर पालिका परिषद बोर्ड ने यह निर्णय किया कि बरहजी जो आदर्श प्राथमिक विद्यालय है निश्चित तौर से देवरिया जिले में ये आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हो, ऐसा हम लोगों का विचार है। और निश्चित तौर से आने वाले 2-3 महीनों में आप इस बरहज आदर्श प्राथमिक विद्यालय को एक नए रूप में देखेंगे। जहां तक शिक्षक के रिटायर होने की बात है, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, जीवन पर्यंत सबको शिक्षा देता रहता है, केवल ये तो सेवा है, सेवा हम करते हैं तो उसका कुछ समय बाद हमको दूसरे कार्यों में भेज दिया जाता है समाज सुधार के लिए। तो निश्चित तौर से आप जो आपकी जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है, आपने सबसे बढ़िया कार्य किया यहाँ पे, करीब 35-40 साल का समय दे करके छोटे बच्चों को गढ़ करके एक समाज में स्थापित करने, मापदंड स्थापित करने के लिए आप लोग भेज देते हैं। जहां तक हमारी प्राथमिक शिक्षा की बात है, मेरी प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल कामनी हरिद्वार में हुई, वहीं से मुझे ये कार्य करने का और देखने का अवसर मिला। उसी सब शिक्षाओं की देन है कि आज मैं संघर्ष करता हूं और उसे कार्य रूप देने में अपने आप को सक्षम मानता हूं। ऐसे गुरुजन वृंद के चरणों में सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।